दोस्तों उस देश के अंदर रामचरितमानस के ऊपर कितना बवाल मचा हुआ है, उसके अंदर चौपाइयाँ छंद जो भी कुछ लिखे हैं उनके ऊपर कितना बवाल मचा हुआ है, इसके ऊपर आप सभी को पता है कि क्या क्या हो रहा है। बिहार के अंदर बाबा साहेब की अम्बेडकर की जो मूर्ति चौक पर लगी हुई थी, बाबा साहेब अम्बेडकर चौक के पास, उसके नीचे रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, उसका विरोध जब भीम आर्मी के समर्थकों ने किया तो उनके ऊपर जोर आजमाइश की गई, उनके साथ मारपीट हुई। वहाँ कोई बीजेपी के सांसद हैं वो उनके साथ में हाथापाई करते हुए नजर आए, भीम आर्मी के समर्थकों को धक्का मुक्की करते हुए देते हुए दिखाई दिए। और हाल ही में माहेश्वर सिंह ने क्या बयान दिया है कि वो जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने गलत बोला है, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। आप अनपढ़ जाहिल गंवार हो, अगर वो इंसान पढ़ा लिखा ना होता, अनपढ़ जाहिल गंवार होता तो आज शिक्षा मंत्री ना होता। इस देश की स्थिति क्या है आप सभी को पता है, पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान को बेवकूफ़ बताते हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप हो। इस देश के अंदर शिक्षा का कितना महत्व है हर इंसान के लिए, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। रामचरितमानस के ऊपर कितना बवाल हुआ है और हो रहा है, अब जो चीज़ उसमें गलत लिखी हुई है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या बहुजन समाज के खिलाफ हो, वही चीज़ें तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जो बिहार के, उन्होंने बताई हुई है। अब इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो बहुजन समाज के खिलाफ हैं, लेकिन बहुजन समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो संघ हैं, संगठन हैं, वो शिक्षा मंत्री जी के उस बयान के ऊपर अड़ी हैं और उस बात को सही कहा है कि चंद्रशेखर जी ने उस बात को सही ठहराया है कि बहुजन समाज की स्थिति बहुत गंदी बताई गई है रामचरितमानस में और मनुवाद में। ठीक है, मनुस्मृति के अंदर भी यही चीज़ें लिखी हैं कि महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं, खुले घूमते रहो, शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा नहीं ले सकती। अरे आज के समाज में, इस दुनिया में या देश में कोई भी महिला हो या पुरुष हो, पढ़ लिख रहा है तो उसका श्रेय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है, जो 32 डिग्री हासिल करने वाले भारत के सर्वप्रथम नागरिक हैं। भारत में सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल करने वाले और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन भी बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना गुरु मानते हैं और कहते हैं अर्थशास्त्र में जिसने विदेश में जाकर चार चार PhD हासिल किए हैं वो बाबा साहेब को अपना गुरु मानते हैं, और बाबा साहेब के बराबर कोई शिक्षा हासिल नहीं कर सकता इस देश के अंदर। अगर शिक्षा का महत्व समझना है तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जो अनपढ़ जाहिल गवार होंगे वो शिक्षा पर और शिक्षा देने वालों पर और शिक्षा मंत्री पर उनके ऊपर गलत लालछन लगाते हैं, क्योंकि जो समझदार होगा समझदारी की बात करेगा, जो बेवकूफ़ होगा बेवकूफ़ी की ही बात करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों की बहकावे ना आए, और जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वही सर्वोपरि है। अब वो पढ़े लिखे हैं तभी तो उन्हें रामचरितमानस के ऊपर ऐसी बातें बताई कि उसमें गलत लिखा है, बहुजन समाज के खिलाफ बहुत चीज़ें लिखी हैं, कुछ कुरीतियाँ ऐसी लिखी हैं जो बहुजन समाज के खिलाफ हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं। अरे वो भी वक्त था जब पिछवाड़े में झाड़ू बंदी होती थी, गले में हांडी टंगी होती थी, नाई बाल काटने से तक कर रहा था, और बाबा साहेब इस चीज़ों से गुजर चुके हैं। एक नाई उनके बाल काटने लग रहा था तो उसने जब उसकी जाति पूछी बाबा साहेब की जब छोटे थे तो उसको दुकान से भगा दिया, और बाबा साहेब जब घर आए तो उन्होंने इस चीज़ को कहा था अपनी माँ से, माँ मैं इस चीज़ को बदल के रखूँगा, मैं ऐसा कानून लिखूँगा जिसमें सबको समानता मिलेगी, और वह कानून उन्होंने लिखा। लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जाहिल गवार पढ़े होने के बाद भी अनपढ़ वाली बातें करते हैं, संविधान को गलत बताते हैं। अरे उस मनुस्मृति को उठाकर देख लो जिसमें आपकी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं थी, घर के अंदर चार दीवारी में पर्दे में रहने के लिए इजाज़त थी। ठीक है, तो जो चीज़ देश हित में है, महिलाओं के हित में है, पुरुषों के हित में, उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने से अच्छा है कि उसका समर्थन करो, क्योंकि कुछ चीज़ें बाबा साहेब ने इस देश के अंदर अपने ऊपर बीती हुई बातों के ऊपर ही लिखी कि जो चीज़ें मैं सह रहा हूँ मेरा समाज ना सहे, आने वाली चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो वो भी ना सहे। उन्होंने सभी के लिए चीज़ें लिखी थी, वरना एक वो टाइम था जब मूलाकर लिया जाता था, मूलाकर बहुत कम लोग जानते कि मूलाकर क्या था, उसमें बहुजन समाज की स्त्रियों को, दलित समाज की स्त्रियों को स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी, अगर वो स्तन ढकती थी तो उनको उसके बदले में चार्ज देना पड़ता था, उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता था। लेकिन इस चीज़ को अंत किया बाबा साहेब ने और एक महिला ने, अगर वो अंत ना करती इन चीज़ों का, इन प्रथाओं का, तो आज भी बहुजन समाज की महिलाओं की स्थिति वही होती जो पहले थी।
और हमारे समाज का उत्थान करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी। मान्यवर कांचीराम साहब, ज्योतिबा फुले और ना जाने कितने हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर तो हैं ही, श्री गुरु रविदास महाराज और ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना परिवार तक गंवाया, तो उनकी कुर्बानी मत भूलो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था चंद्रशेखर जी के ऊपर, जिन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभाला हुआ है बिहार के अंदर, और वो ये चाहते हैं कि हर वर्ग को शिक्षा मिले। वो ये नहीं चाहते कि किसी को भड़काऊ भाषण दे या भड़काऊ चीज़ बताए। जो रामचरितमानस में गलत चीज़ें लिखी हैं बहुजन समाज के ख़िलाफ़ या महिलाओं के ख़िलाफ़, उन्हीं का उन्होंने जिक्र किया है। पढ़े लिखे वो भी हैं तभी तो इस पद पर बैठे हैं, लेकिन उनको वो लोग गलत बता देते हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं है। अगर उनके बराबर नॉलेज होती तो आज वो शिक्षा मंत्री बैठे होते बने हुए। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब भी करना।